हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बोली क्या आवाज? बच्चा तो हमारी तरफ आ रहा है। एक मिनट संभाल संभाल, रोको रोको रोको, गाड़ी गाड़ी। बेटा क्या हुआ? इसे गोली लगी? पानी ले, पानी ले, फटाफट पानी ले। इसको अस्पताल लेके जाना होगा, इसको जगाना होगा पहले। बेहोशी में कुछ भी हो सकता है। जल्दी पानी ले, पानी ले, पानी ले। हमें हर तरह के हालातों और मुश्किलों का सामना करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि हम समाज के हर व्यक्ति हर परिवार को सुरक्षा प्रदान कर सके। चलो बेटा खेलो तुम, जाओ। पिछले साल एक ऐसी घटना घटी जिसने ना सिर्फ मुझे चौंका दिया, बल्कि पूरे राज्य की पुलिस और प्रशासन की नींदें हराम कर दी। मैं एसएसपी राकेश श्रीवास्तव उन दिनों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पोस्टेड था। अदालत ने आपको 48 घंटे दिए थे मुझे रिमांड पर रखने के लिए। 47 घंटे तो हो चुके हैं, अब बचे हुए एक घंटे में क्या उगलवाओगे? विद्रोही का शरीर है, आपके डंडे हथकंडों से टूटने वाला नहीं। हम आपसे ना कुछ उगलवा सकते हैं ना आपको तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको जो दल है ना, जिसकी आप रीढ़ की हड्डी है, उसे तो हम तोड़ के रहेंगे। ले जाओ इसे और सौंप दो जेल अथॉरिटीज को। तो चलिए, वाह यार, तू तो कमाल की गाड़ी चलाता है। बस यार, एक बार नौकरी लग जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं। तू आजकल बहुत चुप चुप रहता है, ना मिलता है ना कहीं जाता है। तेरी माँ तो पूछ भी रही थी कि कहीं तुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, इश्क की बीमारी। मैंने भी कह दिया आंटी जी से कि तुझे सब कुछ हो सकता है, बस इश्क नहीं हो सकता। क्यों, सही कहा ना मैंने? आईडी ये रेडी। तो भैया कैसे हैं? मैं ठीक। आई कार्ड ये लीजिए। कैदी का नाम? प्रोफेसर राव। अरे ये भी पकड़ा गया? हमारा अमित सर जिंदाबाद, हमारा अमित सर जिंदाबाद। कुछ सुना तूने? हाँ, प्रोफेसर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे वाह,
मेरा बेटा आर्मी मैन बनेगा। हाँ, मैं आर्मी मैन बनूंगा और सारे दुश्मन को गोली से मार दूंगा। बहुत बढ़िया। ओहो, किसान का बेटा जवान बनेगा। यस माँ, जय जवान जय किसान। प्रोफेसर का पकड़ा जाना मतलब हमारे मिशन की नाकामयाबी। बिरसा, जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इसकी हालत बहुत खराब है, हमें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। चलो जल्दी चलो। अभी कितनी दूर है साहब? बस अभी थोड़ी दूर है साहब। ये तो बता दो कि अभी कहाँ पहुंचे हैं साहब? हम लोग अभी रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंचे। रेलवे क्रॉसिंग? वो लोग आ गए हैं। ए साली रोक! क्या हुआ? सब ये मर रहे थे, सब मेरी जान के पीछे पड़ा है सर। बस सब लो सब, एक नंबर की कमी नहीं हो रहा था। ये दूसरे मर्दों पर ढोले डालती है, छोड़ूंगा तुझे, मारूंगा मैं। रुको, इस तरह से कानून को हाथ में लेना ठीक नहीं है, समझे? और तुम हां यार, मिशन जिंदाबाद, मिशन जिंदाबाद। रख लिए सारे? हाँ, बड़ी लाइसेंस भी है। ठीक है, इसको नीचे रखो, हम सब लोग अपने पास छोटे हथियार रखेंगे ताकि किसी को शक ना हो। ठीक है, देना। अरे क्या छिपा रहा है तू? अरे माँ कुछ भी नहीं। अपनी माँ से छिपाएगा तू? माँ ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, अभी मेरा बेटा बड़ा हो गया है। अंदर हैंडओवर करना है। अरे ये तो बिरसा है, कब पकड़ाया?
कल कस्टडी में देना है, गेट खोलो ना। चलो अच्छा हो पकड़ा गया। इनको कस्टडी में देना है आई कार्ड। एक मिनट, कौन सा थाने से हो? शंकर नगर। पर शंकर नगर से तो दुबे जी आते हैं। आप कौन? अब मैं बताता हूँ तुझे। चलो निकल 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 जल्दी निकल। हमें भी जाकर दे, हम भी तेरे साथ हैं। हम भी तो तेरे दल के हिस्सेदार हैं। हमने बहुत कुछ किया तेरे इसके लिए। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। Professor Ron Rakthapur, it will be a mayhem now. Sir, we have declared high alert. Har chiknaka mein nakabandi kar di gayi hai. Sir, agle 10 minute pe CM, Deputy CM, Governor of Chhattisgarh aur baaki sabhi senior officers ki security badha di jayegi. Aur is case ke liye ek special investigating team bhi ready hai. Is team ko lead kaun kar raha hai? Sir, SSP Rakesh Srivastav. IPS 98 batch. वो इन विद्रोहियों के नस-नस से वाकिफ है सर। 20 साल गुजार चुका है वो दस्तर और बंतवाड़ी में, जो इनका गढ़ माना जाता है। वेर इज ही नाउ? सीसीटीवी फुटेज फास्ट सर। जी, इसका नाम राजेश शर्मा है सर। ये पुलिस से कैदियों की सुपुर्दगी लिया करता था, मतलब उनके डिटेल रजिस्टर में लिखता था। सबसे पहले उन्होंने इसे ही गोली मारी। चंद्रकांत दुबे, ये वही है ना जो शंकर नगर पुलिस स्टेशन में था सर? ये तो यहां पर नहीं है। पता करो सर। ये सब कैसे हुआ? पुलिस जीप से आए थे सर, कैदियों को कस्टडी के बहाने। हाँ। पुलिस जीप से वो अंदर आ गए। हमने सोचा शंकरगढ़ थाने से आए हैं। लेकिन उनके बाकी साथी भी तो इसी जेल में है ना? जी हाँ सर। अभी बंद है? हाँ जी हाँ सर, बस रक्तचूर और प्रोफेसर फरार है, और एक कैदी को तो गोली भी लगी है सर। लेकिन दो जने क्यों फरार है, बाकी लोग क्यों नहीं? मतलब अगर शहर में उत्पात मचाना उन लोगों का मकसद है तो फिर बाकी लोगों को भी साथ निकालना चाहिए। हाँ, सिर्फ दो क्यों? Anyway. यहां कुछ नहीं मिलेगा। ये कागजात कैसे? प्रोफेसर चिट्ठी लिखा करता था, जैसे सब कैदी लिखते हैं। मंदर, ये कागज उठाओ, जेल सबके साथ जाओ और रजिस्ट्री से पता करो किन के पास चिट्ठी भेजा था। सर।
एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ ओके ठीक सर। चंद्रकांत दुबे के लिए फोन आया था, एक टीम उनके घर गई है। घर क्यों? क्योंकि चंद्रकांत दुबे ने आज थाने में रिपोर्ट किया ही नहीं था। मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ा है। एनीवे टीम उसे कहो कि अगर दरवाजा बंद हो तो उसे तोड़ दे। सर क्विक। पोस्टमार्टम के लिए भेजो, फटाफट जाओ। सर हाँ, सीसीटीवी फुटेज निकाल ली गई है सर। मुझे भेजो और डीजी सर को भी, दे विल बी इन द हाईवे, मैं वहीं जा रहा हूँ। सर मैं सर, शंकर नगर पुलिस स्टेशन से पता चला है कि दुबे और उसकी बीवी का कत्ल हो गया। व्हाट? यस सर। सर उनके घर के दरवाजे लॉक थे, एज पर योर इंस्ट्रक्शन हमारी टीम दरवाजा तोड़ के अंदर गई और ये सब कुछ देखा। मुझे लगा ही था सर, बहुत ही बेरहमी से मारा है सर सबको। और कोई इन्फॉर्मेशन है? सर बॉडी से निकला खून जम चुका है, मतलब 12 घंटे के ऊपर हो गए होंगे कत्ल के। सर लगता है ये जेल ब्रेक बहुत ही हाई इंटेंसिव प्लान मिशन था। प्लान भी और ब्रूटल भी। आई एम अफ्रेड कि और भी कैजुअलिटीज मिलेंगी हमें। तुम्हें काम करो, शंकर नगर पुलिस स्टेशन में जाकर पता करो कोई और है जिसने रिपोर्ट नहीं किया आज। सर राकेश बोलो। सर ये जेल ब्रेक नहीं है सर, ये कॉन्स्पिरेसी है। ओके, आई एम गोइंग टू मीट द होम मिनिस्टर। सर एक और रिक्वेस्ट थी सर, क्या आईबी और रॉ की तरफ से हमारे साथ इंटेल शेयर हो सकता है? श्योर श्योर। ऑल राइट सर, थैंक यू। इतनी बड़ी वारदात को देखकर तो मैं खुद दंग रह गया था, लेकिन मैं समझ गया था कि यह केवल एक जेल ब्रेक नहीं था बल्कि होने वाले बहुत बड़े अपराध की दस्तक थी। कुछ होने से पहले हमें इन अपराधियों को पकड़ना था, जिसके लिए मैंने एक स्पेशल टास्क फोर्स तैयार की और इस केस से जुड़े हर सस्पेक्ट का कच्चा चिट्ठा निकाला। सर ये है प्रोफेसर बी आर राव, विद्रोहियों के बीच में इसे प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है। उम्र 58 साल, ही इज अ फिलोसोफर। इसके एक इशारे पर सैकड़ों लोग अपनी जान देने को तैयार है सर। अपनी बातचीत के अंदाज से कई लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें विद्रोही बना चुका है सर। ये नॉलेजेबल लेकिन बहुत ही खतरनाक है, विद्रोहियों का लीडर नंबर 1 है ये। पुलिस टीम और सीआरपीएफ की टीम पर 10 से भी ज्यादा हमले कर चुका है। एसएसपी राकेश श्रीवास्तव और उनकी टीम ने बड़ी ही जद्दोजहद के बाद उसे पकड़ा था सर। नेक्स्ट सर ये है रक्तचूर, सेकेंड इन कमांड, उम्र 35 साल। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इसे रक्तपात यानी कि खून का खेल खेलने का बहुत शौक है। प्रोफेसर और रक्तचूर यानी नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों ही एक साथ जेल से फरार हुए हैं सर। हमारे सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी सर अगर ये दोनों वापस जंगल पहुंच गए तो। नेक्स्ट स्लाइड सर, ये है जोगी और ये है त्यागी और ये है सुनैना। ये तीनों ही बहुत ही खास लोग हैं प्रोफेसर के। नेक्स्ट सर और आखिर में ये तस्वीर देखिए, ये है बिरसा, ये बहुत ही खतरनाक है सर। ये इसी जेल में था, तबीयत बिगड़ने की वजह से जब जेल पुलिस इसे हॉस्पिटल ले जा रही थी तो रास्ते से ही ये फरार हो गया था। ये इन सब में सबसे खतरनाक है, इन तीनों को हर तरह के वेपन्स की ट्रेनिंग है, गोरिल्ला फाइट में ये सभी माहिर है। खाली हाथों से इन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन है। एक्सक्यूज मी सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या इन्फॉर्मेशन है? एसएसपी श्रीवास्तव के कहे अनुसार हमने हर एक पुलिस वालों के घर पर जांच पड़ताल की है जिन्होंने आज शंकर नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं किया था, और सर वहां से पता चला है उन सभी को उनके परिवार सहित उनके घर में मार दिया गया, और सर उन्हीं के आईडी कार्ड और उन्हीं के यूनिफॉर्म्स जेल ब्रेक में यूज किए गए। ये क्या चाहते हैं? इतना खून खराब है? What's the intel? I'm sorry sir, लेकिन रॉ ने हमें चेतावनी दी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन कब और कैसे इवन दे कुड नॉट डिकोड। सिर्फ उनका कहना है कोई हाई प्रोफाइल टारगेट है, कोई मीटिंग हुई है अब्रॉड में, उसके कुछ सीसीटीवी पिक्चर्स भी हैं। ये देखिए सर, यानी कि सारा का सारा प्लान विदेश में हैच किया गया था। सर शंकर नगर पुलिस थाने में दुबे और उसके अलावा दो और पुलिस वाले जिन्होंने थाने में रिपोर्ट नहीं किया था उनके बारे में आस पड़ोस में पूछताछ किया तो पता चला कि इन सभी के घर अजमेर आए थे शाम के वक्त, लेकिन उन्हें जाते वक्त किसी ने नहीं देखा।
सर आपने प्लम्बर बुलाया था क्या? नहीं, मैंने तो कोई प्लम्बर नहीं बुलाया। सर बहुत दूर से आया हूँ, एक ग्लास पानी पिला दीजिए ना। ठीक। काम वाले की जरूरत है क्या? जैन सर, आई होप तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। सर उन्होंने कोई ज्यादा क्लूज या एविडेंस तो नहीं छोड़ा है सर, बहुत चालाक है। बट वी हैव टू कैच देम सर, फॉर दैट वी हैव टू चेज देम। सारा एक्शन हाईवे पे है सर, वो लोग हर हाल में कोशिश करेंगे कि बस्तर के जंगल में घुस जाए। सो व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? सर आरटीओ को इन्फॉर्म किया है, वो लोग हाईवे पे नजर रख रहे हैं सर। गाड़ी तो उन्होंने बदल ली होगी सर। यहाँ आगे कचरा से नीचे उतारो, इस गाड़ी से अब हम आगे नहीं जा सकते। सर मोबाइल का इस्तेमाल किया लेकिन उन्हें भी फेंक दिया होगा सर, ताकि कोई ट्रेस ना कर सके। चलो सब लोग अपने अपने मोबाइल मुझे दे दो। तुम्हारी नॉलेज सर वो लोग काफी फास्ट चला रहे होंगे गाड़ी। तुम्हारी नॉलेज हाईवे के हर पॉइंट पे स्पीड गन्स हैं। अगर कोई अनचल मूवमेंट दिखा तो सर आरटीओ हमें इन्फॉर्म करेंगे। मेरे लोग तैनात है सर हर जगह पे। और कोई हेल्प चाहिए? जी सर, सर प्रोफेसर के कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं गांव में शहरों में जो उन्हें डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, सिंपथाइजर भी हैं। सर उनके फोन्स टैप कराने हैं। ओके, आई विल गेट बैक ऑन दैट। सर मेरे लिए कोई इंटेल है? आई होप यू हैव सीन ऑल द पिक्चर्स। यस सर। राव का कहना है कोई हाई प्रोफाइल टारगेट है, इलेक्शन के पहले बड़ा धमाका करना चाहते हैं। थैंक यू सर। जय सर, आरटीओ से एक लीड मिली है, एक गाड़ी को हाईवे से 120 से ज्यादा की स्पीड से जाते हुए देखा गया है। ओवर टीम को अलर्ट करो, कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। क्विक सर। साहब ये मेरी पत्नी है, लेबर पेन हो रहा है, हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है, जाने दो साहब। कुमार जाने दो। हम हाईवे पर थे, हाईवे पर सिर्फ विद्रोही नहीं बल्कि आम जनता भी आती जाती रहती है। अब इन आम जनताओं के बीच अपराधियों, आतंकवादियों और विद्रोहियों को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। इससे आम जनता को तकलीफ होती है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि ये उनके सुरक्षा के लिए भी है। एनीवेज हमें विद्रोहियों को हर हाल में उनके गढ़ बस्तर तक पहुंचने से रोकना था। हमने तय किया कि हम हाईवे को ट्रैक करेंगे। इसके लिए हमने आरटीओ से मदद ली। हमारी टीम मुस्तैदी से हर गाड़ी की चेकिंग कर रही थी। इतने में आरटीओ से हमें एक बहुत बड़ी लीड मिली। सर आरटीओ ने खबर दी, जो गाड़ी 120 से ज्यादा रफ्तार से जा रही थी उसी गाड़ी की स्पीड NH-30 पे करीब 20 किलोमीटर पर आवर कैप्चर हुई है। NH-30? ये सर मैं मैप ही लाया हूँ। अरे देखो ये हाईवे यहाँ पे तीन डायरेक्शन में बट रहा है। हाँ, एक जा रहा है कोंडा गांव की तरफ, एक जा रहा है धमतरी की तरफ और एक जा रहा है भिलाई की तरफ। और यही कहीं आके उस गाड़ी की स्पीड कम भी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनकी तरह सोचा जाए तो वो लोग तीन डायरेक्शन में बट गए होंगे, इसलिए उनकी गाड़ी जो है यहाँ पे आ गया तो धीमी हुई या रुक गई। प्रोफेसर और रक्तचूर एक गाड़ी में एक डायरेक्शन में जाएंगे नहीं, बहुत खतरा है पकड़े जाने का। अलग अलग जाएंगे ताकि अगर एक पकड़ा भी गया तो दूसरा अपने ग्रुप को आगे बढ़ा सकता है, सर मकसद पूरा कर सकता है। आइए सर चलो। प्रोफेसर आई थिंक आपको और हमें यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए। अगर हम सब एक साथ पकड़े गए तो दल के मिशन पर पानी फिर जाएगा। सही कह रहे हैं सर आप त्यागी और सुनैना को लेकर ना इस रास्ते से निकलिए। मैं जोगी और प्रोफेसर के लिए इस रास्ते से निकलता हूँ। अब ये गाड़ियाँ आगे गई हैं तो पीछे तो आएंगी नहीं। एक काम करो, ये तीनों रस्तों में नाकाबंदी करवाओ, ठीक है? सही है, गाड़ी चेक करवाओ। चलो सर। और कितनी देर लगेगी भाई, इन साहब लोगों के चक्कर में अपनी तो लग जाती है। चलो खाना खाते हैं। आप चलिए, मैं टिफिन लेके आया। ठीक है। यहाँ तो अभी तक नहीं आए। इस चेकना का भी नहीं पहुंचा अभी तक। ढूंढते रहो, नजर बनाए रखो। ओके सर। क्या अपडेट है? नहीं सर, बच के ना निकल पाए, हर एक गाड़ी चेक करो। जी सर। एनी अपडेट्स? सर उनमें से कोई भी इस तरह के आगे तक नहीं पहुंचा अभी तक। सर 2.5 घंटे हो गए, इतनी देर में तो वो लोग यहाँ तक 3 बार आ जा चुके होते। यू आर राइट, कुछ तो है, कुछ तो हमसे चूक हो रही है।
कहीं वो हमसे एक कदम आगे निकले. दे आर हियर, दे आर स्टिल हियर. मेरी बात ध्यान से सुनो. जी सर. अब हमें पुलिस की तरह सोचना चाहिए. ये तो वो लोग भी अंदाजा लगा लेंगे कि हम लोग अलग अलग हो जाएंगे. इसलिए तीनों रास्तों पर नाकाबंदी सख्ती से होगी. इसलिए हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो लोग सोच भी नहीं सकेंगे. हमारे लिए ये बेहतर होगा कि हम लोग शहर की तरफ वापस लौटे, क्योंकि लौटती हुई किसी भी कार को कोई चेक नहीं करेगा. सारी नाकाबंदी और चेक पोस्ट रायपुर शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर लगी होगी, शहर में आने वाले रास्तों पर नहीं. ऐसा करो, शहर से बाहर बसे किसी गांव में गाड़ी ले लो. हाँ, और एक बात है, गाड़ी नॉर्मल स्पीड में चला. नमस्ते आंटी, आप किसे मिलने आए हैं? हेलो सर, मैं आपको कॉल बैक करता हूं. सर यहाँ नेटवर्क ठीक नहीं है. मैंने नहीं अपडेट्स. सर हर हाईवे और उससे जुड़े जो भी रास्ते इस एरिया से बाहर जाते उन सभी जगहों पर नाकाबंदी कर दिया. अगर वो हाईवे के रास्ते इस एरिया से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो हमारे रडार पर होंगे. सर हमारी गलती की वजह से वो लोग आगे जाने के बजाय पीछे आ चुके हैं, क्योंकि लौटने का रास्ता उनके लिए खाली था. There was no checkpoints, no barricades. और यहीं कहीं आसपास होंगे किसी गांव में. अब यहाँ पे घर बहुत कम है. सो आप लोग स्प्लिट अप हो जाओ, टीम बनाओ और हर घर छान मारो. हाँ नमस्ते भाभी जी. नमस्ते भैया. हम लोग धमतरी के रहने वाले हैं. ये मेरे पति हैं. दरअसल हम लोग राजिम के मंदिर जा रहे थे दर्शन के लिए. माँ की तबीयत बहुत ख़राब है वहाँ. उनके लिए मन्नत मांगनी थी लेकिन रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई और यहाँ आसपास कहीं रहने को जगह भी नहीं मिल रही है. तो क्या हम यहाँ रह सकते हैं? और ससुर जी की तबीयत भी बहुत ख़राब है. हम दोनों आंगन में रुक जाएंगे और ये उनको छोटे भाई अगर आपके यहाँ रुक सकते हैं. ड्राइवर और उसका बंदा गाड़ी में रुक जाएंगे. ऐसी कोई बात नहीं है, आप अंदर आइए. आइए आइए आइए, सभी आइए प्लीज. अजनबी से दूर रहते हैं. बेटा हम अजनबी नहीं है, हम तो आपके मेहमान हैं और हम आपके मम्मी पापा के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो इन्होंने हमें इस घर में एक रात रहने के लिए जगा दी. माफ कीजिएगा, बच्चा है. अब मैं पानी लेकर आती हूँ. जैन सर. अकेश, इट्स मोर देन 10 आवर्स नाउ. What is the status? सर वो लोग हमसे एक कदम आगे निकले सर, but don't worry, we are at it. बहुत जल्द ये भगोड़े जेल में मिलेंगे सर. इजाजत हो तो मैं एसएसपी राकेश से कुछ बात पूछूं. Sure सर. जैन सर. राकेश, I know you had a fantastic career और तुमने difficult task भी पूरे किए. Need your opinion, I mean observation. इस मामले में कहीं तो चूक हुई है. तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है? कहाँ गलती हुई है हमसे? I mean if you can pinpoint that. With due respect सर, हमसे भारी गलती हुई है सर. इस विद्रोही मूवमेंट के लीडर नंबर वन, लीडर नंबर टू, ये दोनों हाई वैल्यू प्रिजनर्स को एक ही जेल में रखकर हमने बहुत बड़ी गलती की सर. सर ये चार विद्रोही में से एक का नाम बिरसा है सर. 3 महीने पहले जेल से अस्पताल जाते वक्त वो फरार हो गया था. इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक वो म्यांमार चला गया, वहां से मिडल ईस्ट. वहीं पर सर प्लानिंग हुई पूरे जेल ब्रेक की सर. उसके बाद चारों यहाँ लौट आए सर, आसानी से, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और जेल अथॉरिटीज दोनों का फेलियर है सर. आगे क्या करना है? सर वी आर कॉमिंग द होल एरिया सर. आगे के तमाम पुलिस स्टेशन में इतला कर दिया गया है सर. द होल एरिया इज ऑन हाई अलर्ट. अगर इस एरिया में कहीं छुपे हैं सर तो हम ढूंढ निकालेंगे सर. देखो राकेश, फुल फोर्स की इज्जत इस ऑपरेशन के कामयाबी पर डिपेंड करता है. सो डू व्हाटएवर यू वांट. आई वांट ऑल ऑफ देम बिहाइंड द बार्स. ओके, इट विल बी डन सर. जैन सर, जेल को बुलाइए. तुम और तुम्हारे डिप्यूटी को तत्काल सस्पेंड किया जाता है. तुम्हारे पर इंक्वायरी होगी, बस तुम ही नहीं, बाकी ऑफिसर्स और गार्ड जो दिन ड्यूटी पर थे सभी पर. आई होप आप सब इंक्वायरी कमीशन के साथ कोऑपरेट करेंगे. सर सॉरी सर, यू विल लीव नाउ. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी. आपने
मुझे और मेरे परिवार वालों को आपके घर में एक रात रहने के लिए जगा दी। नहीं तो हमें तो लग रहा था कि हमें सारी रात सड़क पे गुजारनी पड़ती। अंकल अंकल, आपको भी बंदूक का शौक है? मुझे भी है। चलिए फायरिंग फायरिंग खेलते हैं, लेकिन ये मैं नहीं चलाऊंगा, ये बहुत भारी है। ये मुझे कहाँ से मिली? वो अंकल लोगों के सामान से, उधर तीन चार और है। कौन हो तुम लोग और इतनी सारी बंदूकें कैसे आई तुम्हारे पास? क्यों, टीवी में न्यूज नहीं देखते क्या? तुम लोग वही हो जो जो जेल से फरार हुए हो? हाँ सही समझा। देख हम लोग सुबह से भाग रहे हैं, दिमाग पहले से ही बहुत गर्म है, तू और गर्म मत कर, ये गंदे तेला दे बोला ना। अरे दे दे बाबा, बाकी मत मटा वरना मैं गोली चला दूंगा। पापा फायर। अरे यार ये बंदूक चलाने से पहले ना सेफ्टी लॉक को अनलॉक करना पड़ता है। अब ज्यादा चूं चपड़ की ना तो तेरी खोपड़ी का यही रायता बना दूंगा, समझा? डेविड सर बोल। पता नहीं सर, आसमान खा गया जमीन निकल गई, कुछ पता नहीं चल रहा सर। जरूरत पड़ने पर जमीन से खोद निकालो या आसमान से खींच के लाओ। आई वांट देम। क्यों दबा रहा है? ये तो मेरा फर्ज है माँ, बस तेरा आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। अरे बेटा माँ का आशीर्वाद तो हमेशा औलाद के साथ रहता है, और वैसे भी तुम्हें बड़े साहब के यहाँ पे पक्की नौकरी मिल गई है, अब तो तुम्हें बहुत तरक्की करना है। जा बेटा, जाके थोड़ा आराम कर ले। माँ बड़े साहब की सेवा नौकरी करने जैसा है, लेकिन मैं तेरी सेवा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। क्या पता कल मौका मिले या ना मिले, माँ कम से कम ये हक तो मत छीन मुझसे। तेरे जैसी औलाद सबको दे, जीता रहे बेटा। मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का खाना, तुम लोग गंदे हो। तुम लोगों ने मेरे पापा को भी पकड़ के रखा है, मेरे माँ को भी। मैं माँ के यहाँ से खाना खाऊंगा, निकल जाओ हमारे घर से। क्या बोला रे तू? हैं? क्या बोला? हैं? ज्यादा बोलेगा ना यही काट डालूंगा। हे बैठ बैठ। ए बिरसा छोड़ो से, अरे बच्चा है ना वो। अरे बच्चा है तो क्या करूं, मेरा है क्या? साले ज्यादा बोला तो मैं उसे समझा दूंगी, माफ कर दीजिए। सर सर, विद्रोहियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो जेल के अंदर घुस आए और अपने साथियों को छुड़ा करके लेके चले गए। ये हमारे पुलिस की नाकामी नहीं तो और क्या है? नो कमेंट्स। सर सुबह से अब तक पुलिस और प्रशासन इस पर चुप्पी साध रखी है, आखिर और कब तक चुप रहेगा पुलिस और प्रशासन? देखिए हमारी कार्रवाई जारी है, जैसे हमें कोई लीड मिलती है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। मैं आम जनता को आश्वासन दिलाता हूँ कि जब तक हमें आम जनता का बाल भी बाका नहीं होने देंगे। चुप, ज्यादा बोली ना ठोक दूंगा यहीं पे। बोला ना उड़ा दूंगा। बिरसा ये क्या कर रहे, तू पागल हो गया क्या? चल निकल यहां से। अरे जरा सी भी अकल है तुझ में, सारा खेल बिगाड़ देगा तू। तू निकल चल। क्या ड्रामा हो रहा है आधी रात को? कोई अकल की बात कर रहा था इधर? तुम सबसे ज्यादा अकल है इसके अंदर। अगर आज ये ना होता ना तो हम सब के सब सड़ रहे होते जेल के अंदर, पर हमारा मिशन भी नाकामयाब हो चुका होता। तो भाई साहब कितने बजे की है आपकी बस? अरे मतलब पहली बस कितने बजे जाती है तेरे यहाँ से? 4:30 बजे। तो 4:30 बजे तक अपनी ये गंदी जुबान बंद रखना। बिरसा है ना ये जानवर, और जानवर जब भड़कता है तो क्या करता है? इधर देख, जानवर भड़कता तो क्या करता है? नोच खाता है, समझे? ओ बिरसा
अच्छा तेरे को जो करना है कर लो। आवाज नहीं आ रही। चलो रे मेरे साथ संभाल लेगा। पर हाँ जोगी तो बच्चे को ले ले। ले ले इसको। रैचल छोड़ कमीने मेरे बीबी को छोड़। पुलिस। दो मिनट आती हूँ। सर हाईवे के आसपास के लगभग सभी गांव चेक कर चुका हूँ। बस एक आखिरी गांव बचा हुआ सर। कुछ 10-15 घर बचे होंगे। होशियार रहना। They very smart and very dangerous, okay? सर। जी सर। माफ करिए इतनी रात में आपको परेशान किया। दरअसल ये एरिया हाई अलर्ट पर है। कुछ कैदी हैं जो जेल से फरार हैं। वो शायद इसी गांव में छिपे हुए हैं। हम उसी की पूछताछ करने के लिए आए। सर यहाँ तो सुबह से कोई नहीं आया। आप घर में अकेली रहती? जी नहीं, मेरे पति और मेरा एक बेटा रहता है। हम आपके पति और बच्चों से मिलना चाहते हैं। सर उनकी सुबह से बहुत तबीयत खराब है तो वो सो रहे हैं और बेटा भी उनके साथ ही सो रहा है। देखिए ये पुलिस की कार्रवाई है तो प्लीज आप कोऑपरेट करिए और अपने पति और बच्चों को एक बार हमसे मिलवा दीजिए। जी सर। आप सर पर आप लाइट मत जलाइएगा, वो सो रहे ना तो डिस्टर्ब होगा। आप बेफिक्र हैं। माफी चाहता हूँ तकलीफ देने के लिए आपको। कोई बात नहीं सर। थैंक यू सो मच। चलो इस घर में भी कोई नहीं मिला। चलो गांव के बाकी घरों को चेक करते हैं। सर, आपके पैरों पे खून। खतरा। अब क्या करें? घबरा मत, पर्दा डाल ले, नाटक करने का वक्त आ गया। जोर से चिल्लाना। देखिए आप लोगों को थोड़ा कोऑपरेट करना होगा, बिना चेकिंग के बस आगे नहीं जाएगी। अरे देखो चाचा। ओ चाचा हाँ? ये कौन है? ये हमारा बच्चा है साहेब। हम शहर जा रहे हैं इसका इलाज करवाने। कल सुबह ही इसका ऑपरेशन है। ठीक है ठीक है। हाँ
रिश्ते साहब, ये मेरी बीवी है, इसको बच्चा होने वाला है साहब, और लेबर पेन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है साहब, अगर हम तुरंत अस्पताल नहीं पहुँचे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी साहब, सब आपसे रिक्वेस्ट हमें जाने दीजिए। अरे क्या गाड़ी क्यों रोके, हम करते हैं हेलो सर, ये धमतरी हाईवे के चेकपोस्ट नंबर 2 के पास एक गाड़ी में एक आदमी है। जो 5 आदमी फरार हुए थे उनके साथ शक्ल हूबहू तो नहीं मिलती लेकिन काफी हद तक मिलती है, तो रोक कर रखो उनको। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। क्या? साथ में एक प्रेग्नेंट लेडी है, लेबर पेन है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई लेडी कांस्टेबल है नहीं, हम चेक नहीं कर सकते, और इस आदमी की जो दाढ़ी है ये भी असली है या नकली समझ में नहीं आ रहा, क्या करें सर? तो ऐसे में क्या करना चाहिए तुम बोलो। वैसे भी सामने इलेक्शन है, अगर इधर उधर कुछ हो जाए मैं संभाल नहीं पाऊंगा सर, और वैसे भी ये एरिया हाईली डिस्टर्बेंस एरिया है। एक काम करो, जाने दो उन्हें, लेकिन 2 कांस्टेबल उनके पीछे भेजो जो उनकी नजरों में रहे, और एक टीम जो उनकी नजरों में ना रहे। ओके सर, ठीक है आप लोग जाइए, लेकिन मेरे 2 आदमी आपके साथ हॉस्पिटल तक पीछे पीछे जाएंगे। आज वैसे भी हाईवे पे स्ट्रिक्टली नाकाबंदी है, मेरे 2 आदमी आपके साथ जाएंगे, चेक पोस्ट क्लियर करवा के आपके हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे, कोई एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं साहब, जैसा आप कहें। निकलिए, शुक्रिया। खाली करो, वो लोग निकल चुके हैं, मैंने मेरे 2 आदमी को उनके पीछे पीछे भेजा, हर पल कांटेक्ट में रहेंगे मेरे साथ। अगर वो सस्पेक्ट्स हैं तो कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे वो। शहर का हॉस्पिटल कितना दूर है वहां से? सर करीब 10-12 किलोमीटर। ओके फॉलो देम, और आगे की पोस्ट से कहो कि तैयार रहे। सर सर तो पीछे ही पड़ गए, अब क्या करें? कितना दूर आ गए हम? 2.5 किलोमीटर। मतलब ये हुआ कि जब तक इनको ये तसल्ली नहीं हो जाती कि हम अस्पताल जा रहे हैं, ये हमारा पीछा करते रहे। अस्पताल जा ही नहीं रहे सर, उन्होंने गाड़ी स्लो कर दी है सर। कीप फॉलोइंग देम, डोंट टेक एनी एक्शन सर। गाड़ी क्यों स्लो कर दी? का इलाज यहीं पे करना पड़ेगा सर। उन्होंने गाड़ी रोक दी है सर, हम चेक करते हैं। क्या बात हो गई? साहब मुझे लग रहा है इसका डिलीवरी यहीं पे करवाना पड़ेगा साहब, वो पानी की थैली फट गई है साहब, और जहर ना फैल जाए, प्लीज हेल्प कीजिए ना। भाई आइए जल्दी साहब, प्लीज पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो, बिना कोई हरकत किए पीछे पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो सही साहब, जल्दी जल्दी चल पीछे, कोई हरकत नहीं, कोई ड्रामा नहीं चाहिए मेरे को। कुत्तों उठ ना भैया, नीचे उठ ना बे, हाथ पीछे कर, पीछे करो, पीछे हैंड्स अप, हमने तुम दोनों को चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को हमारा हवाला कर दो। अब कोई रास्ता नहीं है सर, है ना? आजादी का रास्ता। मिशन जिंदाबाद, मिशन जिंदाबाद। दोनों ने एक दूसरे को गोली मार दी, ऐसा क्या छुपा रहे? पता नहीं सर, दोनों ने मिशन जिंदाबाद कहा और एक दूसरे पे गोली चला दी। मिशन जिंदाबाद, ये मिशन है क्या? बाकी विद्रोह के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, गाड़ी में तो ये दोनों ही थे, सुनैना ने बुरखा पहना हुआ था और ये रक्त चूर, इसने भी हुलिया बदल लिया था सर। हाँ, इसका मतलब सब अलग अलग हो गए और अपनी पहचान बदल ली। एनीवे, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो सर।
एक मिनट रुक जा। क्या हुआ यार? जल्दी बस एक बार और। ऐसा पागल मत बन। और मुसीबत नहीं खड़ी करनी है। प्रोफेसर ने हमें इन दोनों को यहाँ पर मार के भागने के लिए कहा और हमें उनकी बात माननी चाहिए, समझा? ए, तू मेरे को मत सिखा, समझा? क्या करना है क्या नहीं करना मुझे सब पता है, चल। पागल हो गया? तेरी वजह से फंस जाएंगे हम लोग। क्या कर रहा है तू ये? देखना कितनी खूबसूरत है यार। अरे तू समझा, हटना यार। अरे तू समझा कर यार, ये लड़की हमारे मिशन से बड़ी है क्या? समझ में नहीं आ रहा तुझे? तो सही कह रहा है जोड़िया, मिशन से बढ़कर ये लड़की हमारे लिए नहीं है। मुझे माफ कर दे यार योगी, मैं बहक गया था। गोलू भाग जा बेटा यहाँ से, और तुझे मेरी कसम पीछे पलट के मत देखना। इन गंदे लोगों ने तेरे पापा को भी मार डाला। तुम यहाँ से सीधे ना पुलिस के पास जाना, ठीक है? और उनको यहाँ पे लेकर आना। जाओ गोलू जाओ, जय जय जवान जय किसान ना बच्चा, चल जल्दी। मिशन जिंदाबाद, मिशन जिंदाबाद। चलो इन दोनों को यहीं गाड़ी में आग लगा देते। नहीं, गाड़ी में आग नहीं लगा सकते। क्यों? अरे पुलिस हमारे आसपास ही होगी, गाड़ी में आग लगाएंगे ज्यादा धुआं उठेगा और हम पुलिस की रिगार्ड में आ जाएंगे। एक काम करते हैं, गाड़ी यहीं छोड़ते हैं और इन दोनों को यहीं गोली मार देते हैं। हाँ चल 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 चल। ए, बच्चा किधर है? नहीं पता। बच्चा किधर है? किधर है बच्चा? नहीं पता। अगर ये भाग गया ना तो हम फंस जाएंगे बिरसा। अरे ऐसे कैसे भाग जाएगा साला? गोली की आवाज इस तरफ से आई है। चल चल चल, कम कम कम, ड्रोन का है, ड्रोन मंगाया था। लेट्स गो, चलो। बे किधर जा रहा है? अरे मर गया बच्चा, छोड़ उसे। सुन देख, गोली की आवाज पुलिस ने सुन ली होगी, पुलिस कभी भी यहाँ पहुंच सकती है। तो गाड़ी स्टार्ट कर, मैं इसको लेकर आता हूँ, चल। अरे तू समझ क्यों नहीं रहा है, फंस जाएंगे हम इसकी वजह से। अरे काम बिगड़े नहीं, इसीलिए तो उसको साथ लेके आ रहा हूँ, ढाल बना कर। इसी ने हमें फंसाया था ना, अब यही हमें बचाएगी। चल तू गाड़ी स्टार्ट कर। तो हमारी तरफ आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट, समझ रोको रोको गाड़ी। बेटा क्या हुआ? इसे गोली लगी सर। पानी ले, पानी ले, फटाफट पानी ले। इसको अस्पताल लेके जाना होगा सर। हाँ सर, बच्चा कुछ बोलना चाहता है। बोल। अंकल। हाँ बोलो 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 बोलो। उन लोगों ने मेरे पापा को भी मार दिया, मेरे मम्मी को भी पकड़ लिया। सॉरी बेटा, यू वेरी ब्रेव, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे माँ को कुछ नहीं होगा। इसे अस्पताल लेके जाना। पुलिस अंकल को भी उन्होंने मेरे घर पे मार दिया। फटाफट इसे अस्पताल ले जाना, घर का पता पूछो, अगर ना बता पाए तो कहीं और से पता करो और वहाँ पे एक मेडिकल यूनिट भेजो। चलो जल्दी। चलो देखो, बच्चे को जो गोली लगी है ना उसका घाव ताज़ा ताज़ा है, इसका मतलब जो गोली की आवाज़ हमने सुनी थी वो बच्चे पे चलाई गई थी। हाँ, ज़्यादा खून लॉस नहीं हुआ है, यानी कि ज़्यादा वक्त नहीं हुआ उसको हम तक पहुँचने में, और वो उधर से आया है तो आसपास ही होंगे वो लोग। हाँ जी सर, उधर बढ़ो। पहले 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 ये तो हमारी जीप है। अरे तो लड़का सही हो रहा है। जीप है बैठो, जीप में बैठ। वॉकी दो, वॉकी दो, वॉकी दो सर। जल्दी जितनी भी पुलिस फोर्स आगे की चौकी में पीछे भेजो उनको क्विकली। हाँ, वी हैव आइडेंटिफाइड द टारगेट। महाराज बोलो सर, महेंद्र और उसकी पूरी टीम का कोई नहीं बचा। What? तुमने घर की तलाशी ली कुछ?
कुछ मिला वहाँ पे? जी सर, डस्टबिन में दाढ़ी के बाल मिले। मतलब प्रोफेसर ने क्लीन शेव कर लिया है? राजेश एक काम करो, तुम प्रोफेसर का फोटोग्राफ ग्राफिक्स टीम में भेजो और उसका क्लीन शेवन फोटोग्राफ निकालो, ठीक है? और सारी टीम से बांट दो फौरन। ओके सर। ड्रोन थोड़ा नीचे करो, नीचे करो, मुझे देखना गाड़ी के अंदर कौन कौन है। और नीचे आवाज कैसी आ रही है यार? आवाज? हाँ। वो तेरी? अबे ये तो ड्रोन कैमरा है, लगता है हमारा पीछा कर रहा है। क्या? हाँ। आदमी चढ़ा था बस में? जी साहब। कहाँ उतरा ये? ये तो बलाय वाली मोड़ पर उतर गया था साहब। इसके साथ ये आदमी भी था? हाँ साहब, इसी तरह दिखता था, अंधा था। लेकिन अगर किसी ने होशियारी की ना तो इसको भेजा उड़ा दूंगा मैं। ए, मैं इसको मार दूंगा इसको। सर, वो मेरे निशाने पे है सर। On my command. पीछा! Are you ready? नहीं सर, वो दिल से बहुत खेल रहा है सर, औरत तो लगने के चांसेस है सर, गोली निशाने पे आ रही है। निशाना बना के रखो तुम। ओके सर। आगे मत बढ़, आगे मत बढ़, मैं इसको मार दूंगा। इधर भग के किसको दे रहा है? मारना, मार दूंगा मैं। मार ना, मार मार, इतने को मारा एक और सही। मार 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 मार, मार दूंगा इसको। घबरा रहा है? हां घबरा रहा है, चल चले काम करता हूं, मैं ही मार देता हूं। अब ये बताएगा प्रोफेसर के बारे में। बिरसा और जोगी हमारे कब्जे में थे, लेकिन प्रोफेसर और त्यागी अब तक हमारी नजरों से ओझल थे। हम ये समझ गए थे कि जेल ब्रेक करना उनका मकसद नहीं था, उद्देश्य कुछ और है। लेकिन क्या? हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो मिशन क्या है जिसके लिए ये लोग अपनी जान तक देने को तैयार थे। पता 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 सर। हाँ। बहुत फूटा बिरसा को, कुछ नहीं बोल रहा है। तो फिर हमारे किस काम का है वो? थोड़ा सर, तेरा टाइम खत्म। तेरे को ओरा डाले क्या? बता दे सर, मत बता तू सर, बता दू। असली प्लान तो प्रोफेसर और रक्तचूर को पता है सर। क्या प्लान? सर मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, प्रोफेसर कोई बड़ा कांड करने वाला है। कहाँ पे करना चाहता है? रायपुर में सर। रायपुर में? ले जाओ सर। चल चल। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद राकेश। As per your request, हमने प्रोफेसर के सारे फ्रेंड, सारे वेलविशर्स, सारे सपोर्टर्स को रडार में ले लिया है। सर मेरा भी एक रिक्वेस्ट है सर, हम लोग सारा ऑपरेशन बंद करके शहर लौट आते हैं। What? लेकिन प्रोफेसर अभी तक फरार है। नहीं सर, सर प्रोफेसर शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा सर। तुम कहना क्या चाहते हो? सर प्रोफेसर बस्तर की तरफ नहीं जाने वाला सर, वो रायपुर में ही एक बहुत बड़ा कांड करने वाला है सर। इसे कॉन्स्पिरेसी सर, उसने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को रायपुर के आसपास उलझा के रख दिया सर, ताकि वो रायपुर में ही अपना प्लान्स एग्जीक्यूट कर सके। जी सर। जय हिंद। माँ और बच्चे कैसे? दोनों ठीक है सर। हमें जरा उनसे कुछ पूछताछ करनी है, इफ यू डोंट माइंड। जब ये लोग आपके घर में घुस आए थे, तब इनमें से किसी ने आपके या आपके पति का फोन यूज किया था? जी नहीं सर। आईशो? हाँ। उनके पास खुद के फोन्स थे? नहीं, मैंने तो नहीं देखा सर। इस बीच कोई बाहर गया था? नहीं, वो सब लोग घर में ही थे। थैंक यू। गेट वेल सून। अब क्या करें सर? ये लोग मास्टर्स हैं, इतनी आसानी से इनका प्लान नहीं पता चलने वाला। विकास सर, सारे वीवीआईपीज के पर्सनल सिक्योरिटी चेक करो। चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, गवर्नर, एवरीवन, पता करो इनके यहाँ कोई नया भर्ती हुआ है कि नहीं। सीआईडी और आईबी से कॉन्टेक्ट में रहो। श्योर।
मुझे इस प्रोफेसर से जुड़े हुए सारे फाइल्स चाहिए, सारे पुलिस स्टेशन में चेक करो, इसका सारा कच्चा चिट्ठा मुझे चाहिए विद इन एन आवर। सर, इन फाइल्स के मुताबिक प्रोफेसर अपनी दुश्मनी कभी भुलाता नहीं। सर, जिसने भी आज तक उसके खिलाफ मुखबरी की है उसने उस व्यक्ति और उसके परिवार वालों को खत्म कर दिया। सर, प्रोफेसर जिस पोस्ट बॉक्स एड्रेस पर चिट्ठी लिखता था उसके होल्डर के बारे में पता लगा लिया है, बहुत जल्द वो हमारे गिरफ्त में होगा। गुड। बड़ी देर लगा थी बेटा तूने? कुछ काम आ गया था माँ, अभी फिर से निकलना है, जरूरी काम है। कोई बात नहीं बेटा, तो इतने बड़े आदमी का ड्राइवर है, अरे पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत बढ़ गई है। अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हें मिलने कौन आया है? कौन आया माँ? गांव वाले मास्टर जी। जा जाके मिल ले, मैं पानी की मोटर बंद करके आती हूँ। मैं किसी प्रोफेसर को नहीं जानता साहब। तो फिर वो तेरे पोस्ट बॉक्स पे चिट्ठी क्यों भेजता था? साहब कौन सा पोस्ट बॉक्स सर? मेरे नाम पर कोई पोस्ट बॉक्स नहीं है साहब। झूठ बोलता है, पुलिस को बेवकूफ समझ कर रखा है। तुझे बोला इसने? कुछ नहीं बोल रहा सर। या तो सच में इसको नहीं पता, नहीं तो हमें बेवकूफ बना रहा है। बैकग्राउंड चेक किया है सर? किराने की दुकान है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। कोई दोस्त है? बचपन की दो तीन। पता करो उनके बारे में, छोड़ना नहीं इसे, पूछते रहो। सर जगमोहन, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा विश्वास है। इस मिशन का भार और हमारे दल की सारी उम्मीदें अब तुम पर टिकी हुई हैं। जाओ, मिशन जिंदाबाद। बस कुछ मिला? एनी लीड? प्रोफेसर के केसेस की सारी फाइलें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कोई लीड नहीं मिला। मिसिंग समथिंग? आई एम श्योर वी आर मिसिंग समथिंग ऑब्वियस। इन फाइल्स के मुताबिक प्रोफेसर हर उसको मार डालता है जिसने उसके खिलाफ मुखबरी की है। यस सर। लेकिन ऐसा कोई पुलिस वाला है जिसको उसने मारा हो, जिसने उसको कभी अरेस्ट किया हो? प्रोफेसर दो ही बार पकड़ा गया है, अभी एक बार आपने पकड़ा था और पहली बार जब वो जस्ट विद्रोही बना था करीबन 30 साल पहले। कोई जी, लेट मी चेक। सर, का मतलब टारगेट डीजीपी सर है? सर, ये लड़का रवि जिसको मैं पकड़ कर रखा है, उसके एक दोस्त के बारे में पता चल गया। सर, हमने सभी सीनियर ऑफिसर्स के पर्सनल ऑफिसर स्टाफ को चेक किया है सर। एक इंटरेस्टिंग बात मालूम हुई है, अभी कुछ महीने पहले डीजीपी सर के ड्राइवर की मौत हो गई थी सर, संदिग्ध स्थिति में, और अभी 2 महीने पहले एक नया ड्राइवर आया है सर, उसका नाम जगमोहन है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, छत्तीसगढ़ के डीजीपी की कार में हुआ धमाका, वारदात में विद्रोहियों का हाथ होने का जांच एजेंसी कर रही है दावा। छत्तीसगढ़ के डीजीपी की कार बम धमाके के पीछे उनके ही ड्राइवर जगमोहन का हाथ, जगमोहन का विद्रोहियों के संपर्क में होने पर शक। शाबाश जगमोहन, शाबाश, आखिर तुमने मिशन को अंजाम दे ही दिया। लेकिन अगर तुमने मिशन को अंजाम दिया है तो तुम जिंदा कैसे हो? हम बताते हैं। इसके लिए तो 3 महीने से प्लानिंग कर रहा था। डीजी की हत्या, वो तो फेल हो गया, वो खबर झूठी है, हमने चलवाई है। अभी तुझे लगे कि सब कुछ तेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है, हम नहीं चाहते थे कि तू ये शहर छोड़ के कहीं भागे, लेकिन मुझे पता था कि अगर ये प्लान तेरा नाकामयाब हो गया तो कोई दूसरा प्लान फिट करेगा। मैं जानता था कि जगमोहन
तेरा परम शिष्य, सालों की मेहनत से तूने तैयार किया तेरा सबसे खतरनाक हथियार, लेकिन तूने दूरी बनाई रखी ताकि किसी को कोई शक ना हो, पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सोच समझ के प्लान बनाया था तूने। जगमोहन को डीजी सर के वहां फिट करने के लिए तूने उनके पुराने ड्राइवर को एक्सीडेंट में मरवा दिया। जंग है, खून तो बहेगा, कुछ हमारे मरे कुछ आप। जंग नहीं, वैशीपना है तेरे और तुझ जैसे कमीनों का। अपने निजी स्वार्थ के लिए मासूमों को अपने झांसे में लेता है, उनकी बली चढ़ाता है। मेरा एक और सिपाही अभी भी आजाद है। कौन? त्यागी। ये नामुमकिन है। नामुमकिन को हमने मुमकिन बना दिया। तेरा सरप्राइज जगमोहन, उसकी कुंडली भी हमने निकाल ली थी। कहाँ है जगमोहन? सब वो तो ड्यूटी पे गया हुआ है। अच्छा, पिछले एक दो दिनों में आपके घर में कोई आया था? हाँ साहब, गांव वाले मास्टर जी आए थे। ये? हाँ साहब, यही है। वैसे तेरा प्लान तो मुझे पता चल गया था, जगमोहन तक भी हम पहुंच सकते थे, लेकिन मुझे तुझ तक पहुंचना था। और मैं जानता था हर प्लान ए के लिए तेरे पास प्लान बी होगा, और ये भी जानता था कि तूने जगमोहन पे नजर रखी हुई है। इसीलिए डीजी सर को डायरेक्टली नहीं, मेरी जो टीम उनके साथ काम कर रही थी ना, उनके जरिए मैंने तेरे लिए जाल बुना। सर, इस पे सब बात करना चाहते सर आपसे, प्लीज। हेलो राकेश, जो मिशन अब तक हमारे लिए मिस्ट्री था सर, उसकी सच्चाई अब बाहर आ चुकी है सर। सर, इस मिशन का टारगेट आप हैं। आप? और इस मिशन को आपके ड्राइवर के जरिए पूरा किया जाएगा। व्हाट? सर, वो एक सुइसाइड बॉम्बर है सर, शायद उस पर नजर रखे हुए हैं सर। मेरी टीम आप तक पहुंचने वाली है सर, जस्ट वेट फॉर देम एंड प्लीज प्लीज गाड़ी में मत बैठिए सर, जस्ट वेट फॉर माय टीम। हमारी कार्रवाई और तेरी घटिया प्लान में क्या फर्क है मालूम है? तू जो कर रहा है ना, अपनी जाति दुश्मनी निकालने के लिए कर रहा है। मिथुन जैसे ने तुझे अरेस्ट किया था ना, लेकिन हम देश और समाज के दुश्मनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। याद रखना, तूने हमारे फोर्स के सबसे सीनियर पुलिस ऑफिसर को टारगेट बनाया था, तू उन तक पहुंच तो गया था, लेकिन जब तक मैं और मुझ जैसा कोई भी पुलिस ऑफिसर जिंदा है ना, तो उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ले जाओ उसे, डाल दो जेल के सलाखों के पीछे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये उन सलाखों के पीछे सड़ता रहे, और निकले तो सिर्फ इसका जनाजा निकले। ये जरूरी नहीं कि दस्तक हमेशा विक्टिम्स को ही मिले, कभी कभी हमारे आसपास घट रही घटनाएं जिससे हमारा कोई वास्ता ना हो हमें दस्तक देती है। पहली दस्तक रायपुर सेंट्रल जेल के अथॉरिटीज को तभी मिल जानी चाहिए थी जब एक ही विद्रोही दल के दो कुख्यात लीडर्स प्रोफेसर और रक्तचूर को उन्होंने एक ही जेल में कैद रखा। बिरसा का प्रोफेसर के गिरफ्तार हो जाने के कुछ ही दिनों के अंदर फरार हो जाना क्या एक बहुत बड़ी दस्तक नहीं थी? जगमोहन का व्यवहार और उसका अचानक बदल जाना क्या उसकी माँ और उसके दोस्त के लिए दस्तक नहीं थी? निहाल, सरोज और गोलू के साथ जो हुआ वो मुझे हमेशा सालता रहेगा। हमारे फोर्स के एसआई महेंद्र तिवारी और कुछ कॉन्स्टेबल्स की शहादत को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। ऐसी घटनाएं हमेशा नहीं घटती, लेकिन कब घट जाए इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपने आप और अपनी ईमानदारी पर विश्वास रखिए। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।